अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने लैम्बोर्गिनी सियान इंपोर्ट किया है और आज हम उसी के लिए जा रहे हैं, हम उसकी डिलीवरी लेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले तो कपड़े चेंज करते हैं और सफाई वफाई कर लेते हैं, नहाते हैं और फिर जाते हैं उसके लिए। शाम को है अभी, तो तकरीबन उसके लिए वक्त है, दिन का टाइम है। तो पहले तो ये जूस पी लेते हैं। तो अभी कपड़े बस चेंज कर ले करते हैं और बस फिर निकलते हैं। लेकिन शाम को अभी वक्त है, हम शाम तक का इंतज़ार करेंगे और फिर हम जाएंगे। पहले तो कपड़े चेंज करते हैं यहाँ से। ओ तो चलिए, कपड़े तो चेंज हो गए, अब जाते हो देखते हैं कि टाइम क्या है। रोशनी अभी भी पड़ रही है, रोशनी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। हाँ अभी है, शाम को कुछ वक्त है। हमने कुछ गार्ड्स वगैरह भी लगाए हैं यहाँ पर, क्योंकि ख़तरा होता है हर वक्त। लॉस सैंटोस एक में हमारे बहुत ही दुश्मन है। ये इसका एपिसोड 1 है। तो चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। वो एयरपोर्ट में आएगा मेरे ख्याल से, वो कार्गो प्लेन में आया है। तो चलते हैं। Place with no smartphone, no social media, was a nice and car. No selfies. A place that's this magic. Rock music has the power to change a lot of things. We won the Cold War with a guitar solo, I'm sure. But the 80s were kind of fuzzy, so were the 90s for that matter. But let's all medicate now with some music, shall we? Weasel News. Car carnage in Pillbox Hill. Los Santos Rock Radio. एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बस यहाँ आप देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ अंदर जा सके। पहले इसमें देखते हैं, इसमें है क्या, तो नहीं, इसमें तो नहीं है। तो इस वाले में है, वो सामने कड़ी है। तो पहले तो हम
इन लोगों से बात करते हैं ना कि यहाँ से निकाले इसको या नहीं, कोई काम अब भी है इसमें बाकी है। तो इससे बात हो गई है, और इन लोगों ने कहा कि आप जा सकते हो। इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, एक्सटीरियर भी अच्छा है। तो अभी इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं, स्पीड वगैरह और कुछ ड्रिफ्ट भी करेंगे। वैसे स्पीड तो अच्छा है, ओहो अभी स्ट्रेट पर ही चेक करते हैं ना, इस बार पता चल जाएगा स्पीड का। 180, 95, 97, 200, 204, ओ स्पीड तो बहुत है, 205.4 तक तकरीबन पहुंच चुका था। तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर और इसको घर ले जाते हैं, घर जाते हैं। ये तो तकरीबन इसके नीचे भी नहीं लाइन कर सकती है, छत के साथ थोड़ा सा टकरा गया। इसे हम इसको ऐसे ही भगा नहीं सकते इस रोडों पर, क्योंकि ये तो एयरपोर्ट में इतना मुश्किल से इसने 200 कर लिया। हालांकि ये 205 से भी जा सकता था, लेकिन वहाँ पर और था ही नहीं। तो यहाँ से एहतियात के साथ चलाएंगे इसको। और 170 तक तो तकरीबन पहुंचा दिया था, और इससे ज़्यादा फिर मेरे ख्याल से नहीं चल सकता इस रोडों पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा ड्राइविंग भी बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं भगाएंगे। मार दिया थोड़ा सा, लेकिन ये मजबूत है बहुत, कुछ नहीं टूटा होगा और सही है मेरे ख्याल में। बस घर भी पहुंचने वाले हैं, हम नज़दीक हैं।
और हम पहुंच चुके हैं हम घर में, और गार्ड्स भी खड़े हैं। तो यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं, देखते हैं ना कि नहीं। हाँ इधर ठीक है। Hey there, man. ¿Cómo estás? तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। हम इसी तरह स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे और इसको मज़ीद बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कंटेंट भी चेक कर दे, तो अगर पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। अस्सलामुअलैकुम।